हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो जानपी। इसका नाम अंकित सिंह यार। तो जल्दी जल्दी आ जाए यार, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए हम लोग यार, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं बराबर से, फिर जो है अच्छे से आपको यार हर एक चीज़ जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं धीरे धीरे लेके आ चुका हूँ। मैं यार बहुत कुछ बता चुका हूँ आपको, जैसे कि यार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, फिर यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, रूट्स निकालने के लिए, फिर यार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर फॉर्मूला मेथड। सीधा हमको एक फॉर्मूला है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको रूट्स निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सब तो हमने सीखा कि रूट्स निकालते कैसे, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, ये इन तीनों मेथड से सॉल्व होते हैं। पर अब यार वो रूट्स कैसे, उनके रूट के नेचर क्या होते हैं, मतलब रूट जो है वो रियल है या फिर इमेजिनरी है, क्या है, ये कैसे पता चलेगा। यार देखो रियल क्या है, देखो जो भी नंबर है वो सब रियल है, जो भी आपको नंबर दिखते हैं सब रियल है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो नंबर हम बता ही नहीं सकते वो तो इमेजिनरी हो गए ना, तो वो कैसे पता चलेगा। तो देखो हमने यार अभी सीखा था कि ये जो, एक मिनट हम पहले ले लेते हैं, आ जाइए ले लेते हैं हम ब्लू, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, हमने अभी देखा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, जो है ये रूट होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका जो रूट है, रूट ऐसे बोलो जैसे कि मैं एक सेकंड आपको बता रहा हूं कि एक्स इसका रूट है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब यार देखो इसका रूट ये है, अब यार ये जब आपको पता है ये इसका रूट है तो इसका नेचर हम इससे पता करेंगे। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं, रुक जाओ, हम इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, रुक जाओ, डिस्क्रिमिनेंट, और हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा। तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो यहां पर आपको दिखा होगा नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा, ठीक है, ट्रायंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। तो यार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट्स का नेचर पता करना है तो वो हम पता करते हैं इस वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो ये तीन तरीके के होते हैं। अगर पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मेरा जीरो के बराबर है, मैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता था पहले, कभी आता था 88, कभी आता था 73, कभी आता था 16, पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने निकाला और मेरा आ गया आंसर जीरो, तो जैसे ही अगर मेरा आंसर जीरो आया तो यार इधर मैं जीरो डालता हूं, अब यार रूट की जगह मैं इधर जीरो डालूं तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, अब ये जीरो है तो जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस 0/2 क्या होता है, ये हो गया प्लस माइनस 2 ए लिख देते हैं, और ये जैसे निकला अब इसको हम दो में तोड़ लेते हैं, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, और फिर से अगर ये जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है, फिर से आएगा माइनस बी बाई 2 है, ठीक है, प्लस और माइनस दो बार लिखते हैं आपको पता है प्लस और माइनस, पर क्योंकि जीरो है तो कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं क्या माइनस बी बाई 2 है और माइनस बी बाई 2 है ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या रूट सेम नहीं आ रहे, तो अगर दोनों रूट सेम आ रहे तो हम बोलेंगे रूट, देखो अब माइनस बी बाई 2 है, अगर बी 1 होता ए भी 1 होता तो आता 1/2 है, और 1/2 तो 1/2 आता, तो रूट्स रियल तो है, मतलब रियल है, रूट्स आर रियल, पर रियल है पर क्या है, इक्वल है, रियल एंड इक्वल, रियल भी है पर भाई इक्वल है, मतलब दोनों रूट अलग नहीं आएगा, अगर एक 4 है तो दूसरा भी 4 आएगा, एक 5 है तो दूसरा भी 5, एक 1/2 है तो दूसरा भी 1/2, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब हम दूसरे पे चलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0 से बड़ा, जैसे कि यार 0 से बड़ा यानी कि माइनस का कोई नहीं, 0 से बड़ा यानी कि 100 200 95 96 144 196 मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, तो जैसे हम इसको देखेंगे यार देखो तब हमारा ये अगर 0 से बड़ा है तो ये भी एक चीज बन जाएगा, ये भी एक चीज हमको देगा, मतलब जो इससे हमको मिला 25 और इससे भी हमको मिला 28, तो दोनों रूट्स आए, दोनों रियल भी है पर जो रूट्स है वो अनइक्वल है, इस बार दोनों सेम नहीं आएंगे, इस बार दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है, अलग अलग, ये बार आपको समझी कि नहीं समझी, क्यों अलग अलग आएंगे, उस बार जीरो हो गया था तो जीरो का कोई महत्व ही नहीं रह गया, तो हमारा सिर्फ बचा कितना, ये बचा माइनस बी बाई 2 है, पर इस बार वैसा नहीं है, इस बार यार ये भी कोई नंबर हमको देगा और जब ये प्लस करेंगे तो भी कुछ नंबर मिलेगा और माइनस करेंगे तो भी कुछ मिलेगा, नंबर क्या रूट, तो जब दोनों रूट अलग मिलेंगे तो हम बोलेंगे रूट जो है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या होता है, रूट जो होते हैं रियल तो होते हैं, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। अब दूसरा, अब हम चलते हैं लास्ट पे, ये थोड़ा सा हमारा एक एक्सट्रीम केस आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जब डेल्टा हमारा जीरो से छोटा हो जाए, मतलब कोई नेगेटिव। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक स्क्वायर रूट में, ठीक है, एक स्क्वायर रूट में अगर मैं एक नेगेटिव नंबर डालता हूं, नेगेटिव यानी कि इन द सेंस आपको बता रहा हूं, हाँ, नेगेटिव नंबर डालता हूं यानी कि -5 -25, तो आपको पता है यार -25 आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यार ये जो है मुझे दिक्कत दे देगा, तो इधर आओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे ही लेस देन 0 तो हम इसमें जैसे ही कोई नंबर 0 से छोटा रखेंगे तो वो जो है आर नॉट रियल नंबर, तो हमारा रियल नहीं होगा, इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि जैसे हमने इसमें कुछ डाला तो हमको जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट याद आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा नहीं है, पर जब आप आगे जाओगे ना 11वीं 12वीं में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाएंगे, जब भी कभी हम स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है ना तो हम जो है आयोटा का कंसेप्ट लेके आते हैं और फिर उसको जो है पॉजिटिव करते हैं, पर यार यहां पे आपको इतना समझना चाहिए, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ तो वो एक रियल नंबर नहीं रह गया, तो रियल नंबर नहीं रह गया तो हम बोलेंगे तो जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर नॉट रियल, तो इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है, ठीक है, तो हम बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, बस
ये तीन केस आपको याद करना है। अब यार आपको यही ऐसा ही कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसके नेचर, रूट का नेचर बताओ कि ये रियल है या रियल है या नहीं है, अनइक्वल है या नहीं, यही सब आपसे सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा। तो चलो आपको मैं दिखा भी देता हूँ कुछ सवाले। तो आओ ये देखो, पहला सवाल इन्होंने क्या बना के दिया है, बहुत ही इजी सा सवाल जो कि आप एक झटके में कर लोगे। तो देखो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो हमको ये डेल्टा की वैल्यू दी है, डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये बताओ ये जो 50 है क्या ये ग्रेटर देन जीरो है? हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है हमारा, हमने सेकंड वाला केस पढ़ा था कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे जो रूट होता है वो रियल होते हैं एंड अनइक्वल। तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल। अब यार माइनस 30 ये हो गया हमारा लेस देन जीरो, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट होगा कि यार क्वाड्रेटिक जो यार इसका जो रूट है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, अब लास्ट है जीरो, जब भी हमारा जीरो होता है हम बोलते हैं कि रियल तो है एंड इक्वल, रियल भी है और इक्वल भी है। तो ठीक है, ये तीन केस आपको आएगा, बहुत आसान सा केस है, कुछ सवाल भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलो आपको दिखा देते हैं, ये सवाल से आपका थोड़ा कंसेप्ट खुलेगा। ठीक है, तो आगे हमारा कुछ अलग केस आ गया, तो हम पहले सवाल आपको करा ही देते हैं, लिख लिख के करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो हमको बोला है, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x माइनस, रुक जाओ यार, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या बोला है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो फाइंड करो बी कितना होगा, बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 7, तो क्या निकल के आ रहा है? तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 47 का होता है 28, पर क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 28। ठीक है, तो हमारा डेल्टा निकल के आ गया 128। तो बस इतना ही बोला था कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो जब भी बोले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो चुपचाप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया करो। एक और सवाल लेके आया हूं आपके लिए, वो भी देख लो, क्या है सवाल? कि रूट्स पे नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट बताओ, नेचर ऑफ रूट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है पहला? देखो पहला इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू। अगर नेचर बताना है तो पहले मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना पड़ेगा कि जीरो से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर कितना है? 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 इंटू 4ac, 4 इंटू 2 कितना होगा? 4 इंटू 2 होगा 8, 8 इंटू 7 ये होगा हमारा यार 63। ठीक है, 8 इंटू 7, जैसे आप ये इतना निकाल दोगे, ठीक है, तो देखो 8 इंटू 7 हमारा होगा 56, ये हमने निकाल दिया। जैसे हमने ये निकाल दिया, अब हम इसको क्या करेंगे? 25 माइनस 56 ये होगा हमारा माइनस 31, ये कितना आया? तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आया लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तो रूट जो है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो समझे, इतना ही चीज आपको बताना था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल। एक और इसी में एक और टाइप का है, तो आप देख लो वो भी। तो देखो क्या हमको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और हम थोड़ा सा गलती कर चुके हैं, वो है ये प्लस नहीं है, हमारा है माइनस। आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, तो क्या सीधा हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस, जब भी बोलेंगे नेचर ऑफ रूट बताओ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। देख लो जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 4 इंटू 1 होता है 4 और माइनस 9, तो 4 9 होता है 36 और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 36, तो ये हमारा 4 प्लस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो कितना आ गया? तो डेल्टा जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डेल्टा बोलते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू आया 40। तो डेल्टा जो है हमारा ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो है तो रूट जो है रियल भी है एंड अनइक्वल है। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। अब यार ये देखो इस टाइप के सवाल जो है अभी जो मैंने आपको सिखाया उस पर बन सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी में हमारा अगला कंसेप्ट, कि हमने ये तो पता कर लिया कि रूट्स के नेचर क्या होते हैं। अब यार ये भी आपको पता करना, अगर रिलेशन बिटवीन रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट, देखो एक मैं आपको भी बताता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म। इसका जो रूट्स है वो समझो अल्फा और बीटा, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मान लो, और जो इसके कोएफिशिएंट है वो होते हैं ए बी और सी। ये आपको दिख रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी एक्स का और सी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट। तो अल्फा और बीटा इसका रूट्स है। रूट जो हमने रूट निकालने के कितने मेथड है अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, फिर हमारा यार कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, फिर हमारा धराचार मेथड जो कि हमारा फॉर्मुला मेथड जो मैंने सिखाया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। तो यार आपको पता है, हर जब भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया आपको देखा दो आंसर निकाले थे, दो आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू माइनस 8, तो वो दो क्या होते थे? दो रूट्स होते थे। तो ये दो, उसी को मैं अल्फा और बीटा बोल रहा हूं, और एबीसी तो आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट। अब यही है द रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट हो गया, रूट्स, ये रूट्स और जो है एंड कोएफिशिएंट, और ये जो है हमारा कोएफिशिएंट। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो देख लेते हैं इनके बीच में। एक भाई एक सिंपल सा रिलेशन है, वो है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए।
देखो भाई आपको कोई भी ना ये नहीं पूछने वाला कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आपको सीधा बोर्ड्स में जो है सवाल के लिए आएगा, इसलिए मैं आपको यार इसका वो भी नहीं बता रहा हूँ समरी कि आप क्या ये कहाँ से बन रहा है, कुछ नहीं। अगर अल्फा प्लस बीटा वो जो फॉर्मूला है अल्फा का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू प्लस में माइनस बी प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर सी और एक बार माइनस में इन दोनों को सॉल्व करो तो यही निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब ये याद रखो, ये याद इसलिए रखो क्योंकि सवाल अलग अलग तरीके के बनते हैं भाई, ठीक है। अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं जिसमें आपसे ना पूछा जाता है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा दिया होता है और आपको बोलेगा कि सॉरी बी बाय ए दिया होता है क्योंकि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है मतलब बी और ए तो आपके पास है, फिर बोलेगा रूट निकाल दो अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए से। तो ये याद रखना, किसी को भूल रहा है तो भी कैसे भी याद रखो, ठीक है। चलो अब इसी पे देखो कुछ अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं, तो आ जाओ देख लो। आओ ये हमने किया बड़ा स्क्रीन, और अल्फा एंड बीटा आधा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स है, ये सवाल में बता दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x² + 6x - 5 इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द अल्फा प्लस बीटा। तो आप बोला कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमको तो अभी अगर अभी तक आपको मैंने रिलेशन नहीं बताया तो आपको नहीं पता होता कि अल्फा प्लस बीटा कहां से निकाले, पर क्योंकि मैंने बता दिया अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो ये इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल, तो इसमें कंपेयर कर लो, x का कोएफिशिएंट b होता है, x स्क्वायर का a होता है, c कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, तो b कितना होता है यहाँ पर 6, तो माइनस 6 बाय a, a कितना है 2, तो ये हो गया माइनस 3, ठीक है। और बोला है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a, तो c बाय a, तो c कितना है यहाँ पर माइनस 5 बाय a, माइनस 5 बाय 2, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो क्या इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलो, उसी से भी एक अच्छा सवाल है, सवाल भाई देखो सवालों की कमी नहीं होगी, करते चलोगे सवाल मिलते। द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 7, इधर क्या देखो इसका रूट आपको मैंने बता दिया ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा आप मान के चलो, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है अल्फा और बीटा। यहां हमको क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन, जो डिफरेंस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का जो डिफरेंस है वो क्या है, इज 7। तो क्या बोला है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, क्योंकि डिफरेंस बोला है, सम बोला होता तो प्लस करते हैं, क्योंकि डिफरेंस बोला है तो हमको करना पड़ेगा माइनस, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7। और अब क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या बोला है, फाइंड के, तो ये जो के है ना कांस्टेंट ये फाइंड करना है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो हम यार अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी, तो माइनस बी कितना होता है माइनस 13, तो माइनस ऑफ माइनस 13, ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 13, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 13, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, ये हमारा 13 आ गया। और क्या करें हम यार, यहाँ से ये दोनों हमने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को देखो ये एक, इसको हम क्या करें, इसको हम कर लेते हैं ऐड, इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड, तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 13 20, तो हमारा अल्फा कितना निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया 10। तो जैसे ही मेरा अल्फा 10 निकल के आता है, तो अब यार मेरे को एक और फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो देखो अल्फा जो है मेरा निकल के आया यहाँ से कितना है, अल्फा मेरा जो है वो निकल के आया है 10, ठीक है, अल्फा मेरा निकल के आया है 10। और अब अगर हमको ये देखना है कि बीटा कितना है, तो यार बीटा हम यहाँ से निकाल लेते ना, इसमें ये अल्फा को जो है, अल्फा को जो है किसी क्वेश्चन में डाल देते, तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, तो अल्फा जो है मेरा 10 है माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा को साइड भेज दो, तो बीटा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया, तो इसी बात क्या करना है, तो क्या करना है, इधर को अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है मेरा 10, बीटा है मेरा 3, 10 इंटू 3, और सी जो है मेरा, सी कितना है इस सवाल में, सी कितना है के, तो के ही तो फाइंड करना है, तो के लिख देंगे, और ए कितना है, ए है 1, तो ये तो भाई सवाल बन गया, 10 इंटू 3 होता है 30, तो 30 इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1, के ही होता है, तो के इज इक्वल टू 30। तो क्या इस सवाल में किसी को दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, प्यारा सा सवाल, थोड़ा सा देखो मैंने आपको, देखो जितना आसानी तरीके से हो सकता है उतना आसानी तरीके से समझाया जा रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, पर एक दो बार वीडियो देखने से भाई आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये और भी एक अच्छा सवाल है कि अल्फा बीटा जो है रूट्स है इस इक्वेशन के। सबसे पहले जैसे इक्वेशन देखो, इक्वेशन लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अरे यार ये कितनी बार गलत होगा हमारा 1 पता नहीं, सॉरी माइनस का साइन, प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब यार आप बोलोगे सर आपने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताया माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा का बताया सी बाय, पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला है, हो सकता है आपको ना याद हो, आपको क्या ये फॉर्मूला नहीं याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको फॉर्मूला कभी सिखाया होगा मुझे पता है, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, फिर होता है माइनस 3ab इंटू इसके साथ होता है ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा, और यहीं पर अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू में जहाँ पर ए है वहाँ पर अल्फा हो, जहाँ पर बी है वहाँ पर बीटा, तो ये फॉर्मूला, तो ए प्लस बी आप निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, क्या होता है माइनस बी बाय, ए इंटू बी निकाल लोगे, हाँ सी बाय, तो चलो यहाँ से पहले यहाँ से अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा निकालते, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए कितना होगा, माइनस बी बाय ए कितना है हमारा माइनस 5 बाय 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 5, फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए, तो निकालो ना सी बाय ए कितना होगा, सी है माइनस 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो हम निकालेंगे फर्स्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होगा माइनस 5 का होल क्यूब, ठीक है, ये होगा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा होगा 3 माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस 5, तो बस यार इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे पर फिर भी कर देते हैं, माइनस 5 का होल क्यूब, ये हो जाएगा हमारा यार माइनस 125।
अब यार देखो ये माइनस माइनस वन इंटू माइनस फाइव हो जाएगा हमारा फाइव, ठीक है, तो ये हमारा बचेगा माइनस थ्री इंटू फाइव हो जाएगा माइनस फिफ्टी, तो ये हमारा निकल के आ गया माइनस 125 माइनस तो 140, तो ये हमारा पहला निकल के आ गया। अब बोलोगे चलो अल्फा प्लस बीटा क्यों करते, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो नहीं सुना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है और ए माइनस बी का भी आता है, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी सर कोई फॉर्मूला है तो बताओ। तो देखो बिल्कुल यार क्या है फॉर्मूला, तो आप आसान से जानते हो क्या है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, वही जो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है उसी को थोड़ा एडजस्ट कर दिया है, ये जो टू ए बी उस साइड होता है इसको हमने इस साइड ले लिया है, तो आपको इतना कोई दिक्कत आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तो चलो अब इसको भी लिख लो। सेकंड क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, क्योंकि हम सिर्फ अल्फा बीटा जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जानते हैं और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर फॉर्मूला उसी में आ जाए, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है माइनस फाइव का होल स्क्वायर, माइनस फाइव का होल स्क्वायर और टू अल्फा इंटू बीटा है माइनस वन, तो माइनस फाइव का होल स्क्वायर हो गया हमारा 25 और ये हो गया प्लस टू, ठीक है, तो 25 प्लस टू हो गया हमारा 27, तो क्या इसमें किसी को दिक्कत, तो एक अच्छा सवाल, मतलब यार भाई देखो इसको मैं इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देता हूँ, ये बोर्ड सोर्स में भी पूछा जा सकता है या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा सकता है, तो भाई प्लीज ये सवाल कर लेना, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको एग्जामिनर को लगे कि भाई ये सवाल में बच्चों को फंसाया जा सकता है। तो आओ हमने ये देख लिया कि रूट्स के नेचर क्या होते हैं, ठीक है, हमने डेल्टा पता कर लिया कि डेल्टा जो होता है बीच में माइनस फोर एस होता है, फिर हमने ये भी पता कर लिया कि रूट्स अल्फा और बीटा और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाय, सब पता करने के बाद हम यार लास्ट कंसेप्ट में अपने आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो है टू ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, यार अभी तक हमको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती थी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोलते थे कि रूट्स फाइंड करो, अलग अलग मेथड थे सब कुछ थे, पर अब ये बोल रहा है कि रूट्स दिया हुआ है कि अल्फा बीटा रूट दे दिया है अल्फा थ्री बीटा फाइव, अब हमको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो ये भी बहुत आसान तरीका है। तो देखो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल एक्स, तो अल्फा और बीटा जो है इसके रूट है, तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, तो ये दो रूट हो गए, हम ऐसे निकालते थे ना x इज इक्वल टू फोर x इज इक्वल टू एट ऐसे निकालते थे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो ये लिखेंगे x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, अब यार इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, अब क्या होगा हम जानते हैं एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम ऐसा बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपको बता दू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तो हमको पता है रूट है, तो रूट है तो एक नंबर होगा, तो ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, मतलब एक कोएफिशिएंट हो गया, और अल्फा इनटू बीटा हम जानते हैं ये भी रूट है और इसका वैल्यू क्या है सी बाय, हमने पीछे सीख लिया है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाँ बन गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई, और बोलोगे सर इनके कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो अगर एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और सी का कोएफिशिएंट चाहिए तो अल्फा इनटू बीटा निकाल लो, तो ये बहुत आसान सवाल है, व्हेन टू रूट ऑफ द इक्वेशन आर गिवन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट, रूट का एडिशन इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों का प्रोडक्ट, तो देखो एडिशन ऑफ रूट कैसे निकालते हैं ये भी हमने पीछे सीखा था, अल्फा प्लस बीटा क्या निकालते हैं माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी बाय, तो जब हमको ये सब कुछ पता है इतना सब तो फिर हम आराम से निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमको रूट दिया ही हुआ है, वैसे भी रूट दिया हुआ है अल्फा बीटा, ठीक है, तो जब रूट दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे आराम से, तो बस इतना करना था, इस पर कुछ सवाल आपको देख दो करवा देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। तो आओ एक सवाल है, क्या सवाल है, ये सवाल है कि रूट दिया हुआ है, रूट्स आर माइनस थ्री कॉमा माइनस सेवन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे हमको, क्या हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, क्योंकि हमको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है माइनस थ्री और ये प्लस है तो इसी को माइनस सेवन, तो ये हो गया माइनस टेन, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट होता है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन हो जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन, ये हो गया हमारा 21, तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया अल्फा इंटू बीटा में, अब सी फॉर्मूला लगा देंगे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस ऑफ टेन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 21 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 21 इक्वल टू जीरो, कितना प्यारा इक्वेशन बन गया, रूट से भी हम इक्वेशन पे आ सकते हैं, ये हमको जो है बताते हैं नेचर, यही तो खासियत है भाई, यही खासियत है मैथ्स की कि भाई अभी तक हम जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालने के लिए इतने सारे मेथड सीख रहे थे, अब हमने ऐसा कुछ बता दिया कि हमको रूट्स पता है तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पहचान ले रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सवालों में, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप जरूर बताइएगा, इसका जो प्रैक्टिस सेट है हम जल्दी लेके आएंगे, तो बस तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद, वीडियो को एंड करते, थैंक यू।